हैंडे शाबाश मैंडे कुजे हैंडे फेजे खोजे फेजे सजते शाबाश। साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेरे साथ फिर आज स्पेशल लोग हैं, कुछ आबिद अहमद डार साहब हैं, मुश्ताक अहमद शाह साहब हैं और ब्लाइंड वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन शौकत अहमद लोन साहब हैं और मामा जी एज यूजुअल अशोक असुन आज बिजबिहाड़ा। एक तो हमें हमारे ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जावेद अहमद टाक साहब से मिलना है और उसके साथ साथ जो है उनकी जो उनका जो इंस्टीट्यूट वहाँ पे है जेबा आपा इंस्टीट्यूट जो है हमें वो देखना है। वहाँ पे जो है स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज उनकी वहाँ पे देखभाल की जाती, उनकी पढ़ाई का वहाँ पे जो है सामान जो है मयसर किया गया है। बहुत ज़बरदस्त जगह है, आइए हम आज बिजबिहाड़ा जाएँ। 6 जुलाई है आज 2024 और आज हम आए हैं बिजबिहाड़ा, एक स्पेशल जगह जेबा आपा जो स्कूल है जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है, बच्चे हैं जिस्मानी तौर जो नाखेज है जिनकी डिफरेंट डिसेबिलिटीज है उनको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। जावेद अहमद टाक साहब ने यहाँ पे इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है 2007 में, बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट। और मेरे साथ खास कुछ मेहमान यहाँ पे आए हैं, J&K ब्लाइंड वेलफेयर ट्रस्ट उनके चेयरमैन शौकत अहमद लोन साहब, आबिद अहमद डार साहब उनके ही खास मेंबर हैं, मुश्ताक अहमद साहब हमारे मुश्ताक अहमद शाह ये सब श्रीनगर से आए हैं, शौकत साहब बड़गाम से हैं और हमारे साथ मोहम्मद शबीर आथर साहब हैं, ये हमारे साथी होते हैं और हमेशा इनकी बहुत मदद करते हैं और हमेशा इनकी हैंड होल्डिंग करते रहते हैं। तो शौकत साहब आप बताइए कैसा लगा आपको स्कूल, क्यों बाश हो तो ये थी साहब किताब? सर ये स्कूल का अगर नमून वो तो ये J&K यस मज कुछ जाए यह दुम टर्न आज मैं ये स्कूल मे जो तो यह स्कूल मे जट दिशा ब्रोट दोन रचन रोजम यह सकूल मानतव तुम J&K यस मे नमून डिसबलन खातर नमून नमून क्या ब्लाइंड तीन पड़ान डेफ वल मल्टीपल डिसबिलिटी डिसबिलिटी कम्यूनिटी मिसाल अकवन टाइपन हे डिसबिलिटी तिंद खातर स्पेशल स्कूल ये मन एजुकेशन दिन। जनाब बताइए सर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं मेरे तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ। जावेद साहब ने एक ऐसा काम किया, आपको पता है कि वो ऑलरेडी खुद भी मतलब डिसेबल पर्सन है, बिल्कुल, लेकिन एक ऐसा काम किया है कि नॉर्मल भी इसके आगे मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसा मुझे लगता है कि सरकार को ऐसा इदारा करना था कायम, ये बेशक सरकार को करना था, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से जावेद साहब ने एक ऐसा काम किया है। मे वो पे जिंदगी मे गुक स्कूल जितन बच वे जावेद साहब के बारे में जानते हैं। जावेद साहब खुद एक पर्सन में डिसेबिलिटीज है। 21 मार्च 1997 को उसको गोली लगने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी। उसके बाद 2007 में जब ये स्कूल शुरू किया था 3 बच्चों से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज हमारे पास कितने बच्चे हैं, तो जावेद साहब का अगर हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन देखेंगे, अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन, वो यही है कि आजकल हमारे पास एक फुली एक्सेसिबल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर इंस्टीट्यूट जेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चल रहा है, जिसके अंदर बच्चों को जो जिनकी डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ होती है उनको एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन सर्विसेज दी जाती है। जावेद साहब को रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री से नवाजा है, नेशनल अवार्ड है जावेद साहब के पास, स्टेट अवार्ड है और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो जावेद साहब ने रिसीव किए हैं। मैं इसका शाहिद सुल्तान फिजियोथेरेपिस्ट जेबा एजुकेशन तकरीबन 3 फिजियोथेरेपिस्ट वस काम कर फ्राम पास्ट 2 ईयर्स तो बेचन बच्चन सकेडमिक सेशन पकना फिजियोथेरेपी चाहिए थे मैक्सिमम व्हील चेयर बाउंड 4-5 वाकर बाउंड वाकर फिजिकल एक्टिविटी प्लस इक्विपमेंट्स यूज कर मसल फ्लेक्सिबल गन पे स्ट्रेंथ बे वापस गेन कर एक्टिविटीज कर
इसको हम टेनस कहते हैं, ट्रांसक्यूटस इलेक्ट्रॉनिक नर्व स्टिमुलेशन या मसल स्टिमुलेशन। इससे क्या होता है कि जब बच्चा पेन या कुछ और महसूस करता है, जैसे कहता है कि सूजन आ रही, पेन आ रहा है, तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इससे रिलैक्सेशन मिलती है उनकी। अभी ये 8-9 साल की बच्ची है, 3 साल पहले हमारे पास आई है इंटरवेंशन के लिए जी। तो इनके पेरेंट्स इनको बिल्कुल गोद में लेके आए थे, सोए हुए थे, इनकी नेक भी ड्रॉप थी, स्पीच निल थी। तो अब चल रही है ये? बिल्कुल, अभी आप खुद देख रहे हैं, अभी चल पा रही है, थोड़ा सा कर लीजिए। मैं आपको इस पे दिखा रहा हूँ विदाउट पकाई की है। क्लास में जो हमारे बच्चे हैं ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, और उनकी जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती क्या है, जो हमारे नाज़रीन हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो डिसेबिलिटी है जिसमें उन बच्चों को सोचने और समझने की सलाहियत थोड़ा कम होती है, उनको सीखने समझने में थोड़ा टाइम लगता है जी। ये वही बच्चे हैं और उनकी जो लेवल है माइल्ड लेवल है। हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो अपना अपना इंट्रोडक्शन, बोलो अपना नाम। आजम। शाबाश। आजम, आप कहाँ रहते हो? मुश्ताक। क्या नाम है? शीजान मुश्ताक। मुदस्सिर साहब, ये बताइए इन बच्चों के बारे में, ये कौन सी डिसेबिलिटी है इनकी? अस्सलाम वालेकुम। ये सब बच्चे जो यहाँ है, दे हैव हियरिंग एंड स्पीच डेफ एंड म्यूट जिसे कहा जाता है। Yes, जी। इनके मुख्तलिफ क्लासेस हमारे यहाँ, जो हाईएस्ट क्लास है हमारा इस साल वो है 7th। 8th तक है हमारा इंस्टीट्यूट है, वो है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज, यस। पढ़ाने का मीडियम जो है, यस, वो क्या होता है साइन लैंग्वेज? साइन लैंग्वेज आर गेस्चर्स व्हिच वी शो विद आवर हैंड्स। व्हाट इज योर नेम? जे ए एच आई एन जी आई आर, जहांगीर। ए एच जहांगीर। चार जी है यार, पापा का नाम R E Y A Z, रियाज। A H M A D, अहमद, रियाज अहमद। रियाज अहमद जी, जहांगीर। ममा F A R E R E E D A, फरीदा। फरीदा इनका माँ का नाम है। जी जी सर, वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश, ताले बजाओ। मनप्रीत, चलो दिखाओ आप कलर सुनाओ। चलो फ्रूट्स के नाम सुनाओ बेटा। मनप्रीत, बताओ फ्रूट्स के नाम। वेरी गुड। एप्पल। एप्पल कहाँ पे है दिखाओ। ये एप्पल है। मे बसान सारे को चैलेंजिंग काम है टीचरन टीचर तो ये इन हेचनान मुझे लग रहा है सबसे बड़ा टीचर जो हमारे हैं दे वर्क विद फुल डेडिकेशन, उनमें फुल एनर्जी है, और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को चुनता है इस काम के लिए जिनको इसके लिए पेशेंस होती है। तो मैं बड़ा इट नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस। यस, जो मेरे टीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट भी है और काफ़ी ज़्यादा पेशेंस के साथ इन बच्चों के साथ डील करते हैं। तो बड़ा रोल उन्हीं का है, हमारा जावेद साहब का और मेरा, तो यही है बस निगरानी करना। نارمل مگر سدمس من چلان سر ایڈمیشن نیو ایڈمیشن آئے سر نیو ایڈمیشن بالکل سر تو تھی کیا یھان کہ مطلب یہ سکول گھن ہر کھانا سکول گھر ہر کن ڈسٹرک میں آن ونکن یجبیڑس میں اسلام آباد منکن تھی تک گھس آن شپین تک تھی گھس آن سری نگرس میں تک گھس آن ہر کن ڈسٹرکس منگ آن سرکار لیول پہ گھن بالکل پریویٹ ادارہ باسو تھی انسٹیٹیوٹ زبردست تھی کتنا تھی کم سوزی رکمینڈ کم کرو تھی رکمینڈ کر مجھے فرینڈ اخ تو تمہیں ون دے یہ سکول ہے تھی ہوں تور بچے نیا تھی اصل سکول تھی اس بچے ونکن کم پاپلیشن گھنٹ ونکن کم از کم ایبو ونکن 200 پاپلیشن ونکن سر تو ونکن لگ بھگ لگ بھگ الحمد للہ ونکن ٹھیک سور شوکت صاحب اس درائے واپس ون پکان واپس ون تو کت باسو تھی حساب ات کیا باسو تھی سرکار کیا پہ کر سر سرکار
واریہ کیہ کرن تو مگر کورن سان خاطر سٹیٹ گورنمنٹن آج تان کہین تہ تہ وچھ یو گسر پرائیویٹ سیکٹرس مے چھ اخ سکول انسٹیٹیوٹ جموں کشمیر اس مز تہ وچھو امی سچویشن یہ کیہ چھ زے بابا مسٹر جاوید احمد ٹاک صوبن چھ سکول ایت بنومت ڈسیبل بچن خاطر تہ وچھو سر پانے ات کم کم فیسلٹی چھ تہ اکی ڈسیبلس کم کم مثال فیسلٹی گس یہ سٹیٹس مز آسنی مگر تم چھن گورنمنٹ سیکٹرس مز اس کہین تہ